हमारे हिंदू बहनों के बलात्कार करते जिंदा जला दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता, उन्हें काट दिया जाता है, पूरे देश में अशांति फैलती है, तब तुम लोग उग्र आंदोलन नहीं करते, तब तुम लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ या तब तुम लोग राज्य सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते। लेकिन तुम्हारे लिए या हिंदू हित के लिए, हिंदुस्तान के हित के लिए अगर कानून लाया जाता है तो तुम लोग ये समझते हो कि तुम्हारे मुसलमानों के खिलाफ ये कानून और विधेयक पारित हो गया। अगर तुम्हें यह लगता है कि ये विधेयक पारित हो गया और तुम्हारे मुसलमानों के लिए, तुम्हारे मुल्लों के लिए यह हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं है, तो तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार भी नहीं, तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। इतना याद रखो कि हिंदू सोया हुआ नहीं है, पहले सोया था, आज जागा है। और हिंदू डरता नहीं है, हिंदू प्रारंभ नहीं करता, अंत करता है। तुम ये चाहते हो, तुम ये समझते हो, तुम ये गलत फहमी में जी रहे हो कि तुम लोग अगर तलवार और तुम लोग अगर शस्त्र लेकर के हिंदुस्तान का ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास करोगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे सीएम साहब योगी के खिलाफ भड़काऊ बातें कर उनको देश से निष्कासित करने का प्रयास करोगे, इस प्रकार की अनर्गल बातें करोगे, तो याद रखना कि ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हिंदू तुमसे डरता नहीं है, डरते तो तुम लोग हो। सुअरों के झुंड में आकर के अगर तुम हिंदुस्तान को या हिंदुओं को या कुछ बहुतल भाग जहां पर तुम लोग रहते हो वहां पर तुम आतंक फैला करके अगर हिंदुस्तान को पीड़ित करना चाहोगे या हिंदुस्तान में असंतोष का माहौल क्रिएट करना चाहोगे तो याद रखना कि तुम भी कभी नहीं बच पाओगे। ये हिंदुस्तान मोदी का है, ये हिंदुस्तान योगी का है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तुम लोगों का ये हिंदुस्तान है नहीं। जब 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, तभी तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। अब भीख के टुकड़ों पर अगर तुम लोग यहाँ रहते हो तो फिर अपनी औकात के अनुसार ही रहना चाहिए। आज शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज के पश्चात आप लोगों के मौलानाओं ने ऐलान किया कि हम लोग दंगा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। तो याद रखो मौलानाओं, चाहते हम यही है, हम यही चाहते हैं कि तुम प्रारंभ करो, क्योंकि हिंदू कभी प्रारंभ नहीं करता। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हमें प्रारंभ का हमें प्रारंभ की इजाजत नहीं देती। हम चाहते कि प्रारंभ अब तुम करो और अंत हम करेंगे। अगर बाहर से आए हुए रोहिंग्या, बाहर से आए हुए मुसलमान, बांग्लादेशी यहां आकर के अगर आतंक फैलाते हैं और सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करती है तो तुम्हें इसमें आपत्ति दर्शानी नहीं चाहिए। इसका अर्थ सीधे सीधे और सरल भाषा में यही है कि तुम देशद्रोही हो, तुम्हें हिंदुस्तान में अराजकता ही फैलाना है, तुम्हें इन बांग्लादेशियों के द्वारा कुछ न कुछ अपना निजी स्वार्थ पूरा करना है और पाकिस्तान के लिए ही यहां बैठ करके हमारे हिंदुस्तान को खोखला करने का षड्यंत्र रचना, यही तुम्हारी फितरत है और यह असंभव है। जैसे अभी मैं बाहर आया था, मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे किसी ने पहले धमकी दिया था फोन पर, ऐसे कई आते हैं। मैं लाइव में अगर देख रहे होगे मुल्ले और आजू बाजू में है तो ये याद रखो कि ये सूर्य सागर तुमसे किसी प्रकार से डरता नहीं। आए थे तुम दो नमूने, लेकिन जैसे